दो भी उसी तरह का है, क्वेश्चन नंबर इसका दो। यहाँ पे लिखेंगे कि माना माना ए 8.1, बी के कॉमा -4, के कॉमा -4 और सी 2, -5 संरेखी है, संरेखी है, ठीक है, संरेखी है। हम लोग ये तीन बिंदु संरेखी है, यानी कि यहाँ से त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा क्या लिखेंगे, बराबर में जीरो, बराबर में जीरो। तो यहाँ एक्स वन वाई वन ये हो जाएगा, एक्स टू वाई टू इसको मानिएगा और एक्स थ्री वाई थ्री इसको मानेंगे। देखिए ये लिख रहा है ना, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा है, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एक्स टू वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री, ये सिंबल हम लोग इसलिए दे रहे हैं ताकि आप आसानी से फॉर्मूला को लगा सकें। 1/2 एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू, ब्रैकेट बंद कर दिए और बराबर में जीरो। यहाँ भी 1/2 को उधर जीरो में भाग कर दिए तो जीरो हो गया, बचेगा यही सब ना। तो इनके मान यहाँ रखते हैं, एक्स वन का मान है आपके पास 8, वाई टू माइनस वाई थ्री यानी कि -4 माइनस -5, ठीक है, ब्रैकेट बंद किए, प्लस एक्स टू, तो एक्स टू का मान यहाँ पे कितना है आपके पास, तो एक्स टू का मान है आपके पास के, ठीक है, वाई थ्री माइनस वाई वन, तो वाई थ्री का मान है यहाँ माइनस का 5 और वाई वन का मान है आपके पास 1, चलिए प्लस में फिर एक्स थ्री, तो एक्स थ्री का मान है 2 और यहाँ वाई वन माइनस वाई टू यानी कि 1 माइनस माइनस 4, ठीक है, ब्रैकेट बंद किए बराबर में जीरो। ये तो 1/2 इधर आके जीरो हो गया, समझ में आ रहा है ना। चलिए यहाँ पे देखिए 8, यहाँ देखिए ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 5, प्लस का 5 है ना और माइनस का 4, तो एक ही ना आएगा आपका। चलिए प्लस के, यहाँ ब्रैकेट में माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस 2, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 4 एक कितना जाएगा 5 हो जाएगा, बराबर में 0। चलिए 8 माइनस 6 के प्लस 5 दोनों क्या हो जाएगा 10, बराबर में 0। यहाँ देखिए माइनस 6 के और प्लस में 10, 8 18, बराबर में 0। माइनस का 6 के बराबर माइनस 18, माइनस माइनस काट दीजिए, के बराबर आ गया 18/6, कट जाएगा 3 बार में, के का मान कितना आ गया यहाँ पे 3 आ गया। चलते अगले क्वेश्चन पे, अब अगले क्वेश्चन